काफ़ी टाइम से तीन एनिमे सीरीज देखने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे वो कंप्लीट भी हो रही हैं, और जिन्होंने मुझे सजेस्ट कर रखी है अपनी फेवरेट एनिमे सीरीज, तो थोड़ा सा यार संयम रखो, सारी चीज़ें आने वाली हैं। जैसे मुझे टाइम लगेगा मैं उन सब चीज़ों को कंप्लीट कर दूंगा, और इवन हाफ तो मैं कंप्लीट कर ही चुका हूँ। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ फुल मेटल पैनिक एनिमे सीरीज के बारे में। देखो ये फुल मेटल एल्केमिस्ट नहीं है, फुल मेटल पैनिक एनिमे सीरीज है, तो कन्फ्यूज मत हो जाना। इस एनिमे सीरीज के टोटल 5 सीजन है। अभी मैंने इसका फर्स्ट सीजन ही देखा है, और मुझे ऐसे ही पसंद है कि यार इसके फर्स्ट सीजन देखूं, फिर इसका रिव्यू करूं, फिर सेकंड देखूं तो इसका रिव्यू। इतनी बड़ी एनिमे सीरीज है, कोई ऐसे नहीं कि यार बस एक वीडियो के अंदर सारे के सारे एनिमे सीरीज देख लूं और उसी के अंदर मैं आप लोगों का रिव्यू करके दे दूं। यार मुझ जैसे एनिमे लवर जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है एनिमे, उनकी मैं ऐसे यार इज्जत बहुत करता हूँ कि उन्होंने अच्छा कंटेंट बनाया हुआ, उन्होंने मेहनत की हुई है, तो मेरा दिल करता है कि यार उन चीज को मैं रिस्पेक्ट दूं। तो धीरे धीरे उनके बारे में बात करना पसंद है। धीरे धीरे का मतलब है कि एक एक करके एक एक सीजन के बारे में अलग अलग वीडियो में बात करना पसंद है। तो और बाकी जब वो वाले सीजन देख लूंगा सेकंड थर्ड, तो उनके बारे में अलग वीडियो बनाकर वहां बात कर लेंगे। फर्स्ट सीजन के अंदर इसमें टोटल 24 एपिसोड और बाकी जो सीजन बच गए उनमें 12 12 है शायद, जितना मैंने देखा था। तो अब इस एनिमे सीरीज की कहानी की बात कर लेते हैं। देखो एक टेररिस्ट है जो बहुत खतरनाक है। इसके अंदर एक ही विलन दिखाया गया है, गुरोन, शायद मैंने उसका नाम सही से लिया हो। गुरोन जो है वो बहुत खतरनाक टेररिस्ट इसके अंदर दिखाया गया है। उसको खत्म करने के लिए एक सीक्रेट ऑर्गेनाइज है जो मिलिट्री से भी ज्यादा पावरफुल है और मिलिट्री के तरीके से काम करती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का काम यही होता है कि गुरोन जैसे टेररिस्ट, जो खतरनाक टेररिस्ट होते हैं, उन जैसे टेररिस्ट को खत्म करना। और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मिथ्रिल, और इस ऑर्गेनाइजेशन की एक कैप्टन है, एक लड़की है, वो कैप्टन जिसका नाम है तैसा। बहुत प्यारी एनिमे है यार वो मुद्दे से नहीं भटकना, बैक टू द स्टोरी। तो ये टेररिस्ट एक लड़की है कनामे चिदोरी, उसको किडनैप करना चाहते हैं। उसके पास कुछ पावर है, देखो एग्जैक्ट उसके पास क्या पावर है, वो पावर कहां से आई है, कैसे उसे मिली, ये सब चीजें इस पूरे सीजन के अंदर दिखाई ही नहीं जाती। इवन कहेंगे कि 24 एपिसोड में कहीं पर भी आपको पता नहीं चलेगा कि चिदोरी के पास वो पावर कहां से आई। और ऐसी ही पावर जो कैप्टन है तैसा उसके पास भी है। जो गुरोन टेररिस्ट है वो चिदोरी नाम की इस लड़की को किडनैप करके एक हथियार बनाना चाहता है, बहुत खतरनाक एक न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहता है, ताकि वो पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर सके। तो इसकी रक्षा के लिए, यानी इसकी डिफेंस के लिए, चिदोरी की डिफेंस के लिए एक लड़का भेजा जाता है जो इसी की मिथ्रिल की एजेंसी से होता है। इस लड़के का नाम होता है सासुके सागारा। ये जो बंदा है ना वो एक नंबर का डम है लड़कियों के मामले में। इस इंसान को सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर मानने आते हैं, इसके अलावा इसने कुछ किया ही नहीं। इवन ये कभी सोशली मतलब किसी के साथ इतना फ्रेंडली नहीं व्यवहार किया, इस पूरे सीजन के अंदर दिखाया जाता है। ये बंदा एक मशीन होती है एएस जिसे नाम दिया गया है, वो बड़े बड़े रोबोट दिखाए गए हैं इसके अंदर, उनको चलाने में बहुत माहिर होता है, यानी ये लड़ने में बहुत माहिर है, लेकिन किसी से बात करने में, इवन किसी लड़की से बात करने में एक नंबर का डम्ब है। तो अब इन मशीन के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहां पर इनमें इंसान जाकर वो लड़ाई करते हैं। देखो यहां पर एक टर्म यूज होगी इस सीरीज में, लैम्डा ड्राइवर, जो एक बहुत एक एडवांस लेवल की ड्राइविंग, मतलब कहें कि इन मशीनों को चलाने के लिए एक इंसान जब लैम्डा ड्राइवर यूज करता है तो वो क्या करता है कि मशीन के साथ खुद कनेक्ट होता था और मशीन के साथ मिलकर वो अच्छे से लड़ पाता है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी समझ लो इस चीज को। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ये लैम्डा ड्राइवर जो टेक्नोलॉजी है वो यूज कर पाते हैं। इस पूरे सीजन के अंदर जो सासुके सागारा है उससे कनेक्ट करने के लिए इसके अतीत के बारे में दिखाया गया। देखो सासुके जो है वो बहुत ज्यादा चुप रहता है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर मानता है, और इवन वो इतना सोशली नहीं है किसी से बात कर सके। और इस इंसान का हर एक इमोशन मर चुका है, मतलब कि ये ना हंसता है ना रोता है, ये ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में इस सीजन के अंदर कुछ भी नहीं दिखाया जाता। हाँ थोड़ा बहुत दिखाया जाता है इसके पास्ट के बारे में, इसका एक दोस्त होता है ऐसा थोड़ा बहुत दिखाया जाता है, लेकिन वो इनफ नहीं होता इस करेक्टर को समझने के लिए। और अगर मैं बात करूं चिदोरी नाम की इस लड़की की, तो वो बहुत ज्यादा जिंदा दिल लड़की है, उसे हर पल जीने से मतलब है। जब वो सासुके से मिलती है तो उससे प्यार हो जाता है, मतलब पता नहीं क्या सोच के उसको प्यार हो जाता है। जब ये सीरीज देखने बैठा था तो स्टार्टिंग के जो कुछ एपिसोड है जिसके अंदर जो सासुके है वो एक स्टूडेंट बनके स्कूल के अंदर जाता है चिदोरी जहां पर पढ़ती है, तो ये जो स्टार्टिंग का जो एपिसोड थे कुछ एक 5 एपिसोड या 3 एपिसोड, तो यहां तक मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, मेरा इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ। लेकिन जब बीच में जब बात करूं कि कुछ जो बीच में जो बोरिंग से एपिसोड आने लगे, कहीं ना कहीं लगे यार इन जैसे एपिसोड की कोई जरूरत नहीं थी। यहां पर इस सीरीज को लंबा खींचा जा रहा है, लेकिन इसके लास्ट के 3 एपिसोड मैं सच कहूं यार इसने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा कर दिया इसी सीजन के अंदर। और जो इसके अंदर साउंड यूज किए गए स्पेशली तब जब चिदोरी अपनी पावर यूज करती है, तो कमाल का जो साउंड है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। इसका पूरा का पूरा फर्स्ट सीजन जो है वो एक तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर दिखाया गया है, पर कहीं ना कहीं इसमें कमी नजर आती है।
अब इस सीरीज में एक्शन के साथ साथ लव का एक ट्रायंगल भी दिखाया गया है, जो हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं सासुके, उसके साथ साथ जो चिदोरी हैं, जो कैप्टन तेसा हैं, इनका एक लव ट्रायंगल भी दिखाया गया है। देखो कौन किसको पाता है, देखो अभी इस सीजन में क्लियर नहीं हुआ है। अब ये मत सोचना कि मैंने कोई आप लोगों को स्पॉइलर दे दिया, इसमें देखो यार स्पॉइलर देने वाली कोई बात नहीं है, इवन ये चीजें सुनकर आपका इंटरेस्ट जरूर पैदा हो जाएगा इस सीरीज के अंदर। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यार इससे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि इसकी कहानी और इसके एक्शन में कुछ खास दम नहीं लगा। और जब इसका फर्स्ट सीजन खत्म होने वाला था, तब मेरा मन किया यार इसके जो सेकंड सीजन है, इसका थर्ड सीजन और जो कुछ बाकी जो सीजन बच गए उसको फिर कभी देख लूंगा, क्योंकि मेरा इसके अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा था। लेकिन जब ये सीरीज खत्म हुई, सीरीज नहीं सोची, ये सीजन खत्म हुआ, इसके कुछ लास्ट के जो एपिसोड थे, जो तीन एपिसोड थे, उसने इतना हाइप क्रिएट कर दिया, तो अब लगता है कि हां यार इसका सेकंड सीजन तो मैं देख सकता हूं अभी कुछ ही टाइम बाद। और मे बी इसके सेकंड सीजन में हमें अच्छे से चीजें दिखाई जाए, शायद फर्स्ट सीजन कैरेक्टर डेवलपमेंट में हमें लोगों को, मतलब उसके कैरेक्टर को समझने के लिए हमें वो फर्स्ट सीजन दिखाया गया था, उसके 24 एपिसोड दिखाए गए थे, आई होप सो, ताकि ये सब चीजें इसलिए दिखाई गई थी। सेकंड सीजन इवन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, देखो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने इसका सेकंड सीजन नहीं देखा, मैं ये एक्सपेक्ट लेके चल रहा हूं ताकि यार मुझे निराशा तो ना हो कम से कम। मेरी तरफ से इस सीरीज के फर्स्ट सीजन को मैं देना चाहूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार। देखो यार ऐसा कभी कभी होता है कि हम बहुत अच्छी चीजें देख लेते हैं, फिर एकदम से कुछ उससे कम अच्छी चीजें देखते हैं, तो हम अपना जो नजरिया है वो उस लेवल पे लेके जा चुके हैं कि हम उससे कम कोई चीज देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये अच्छी नहीं बनी है। ऐसा मेरे साथ हुआ है कुछ टाइम से, मैं कुछ अच्छी सीरीज देख रहा हूँ, कुछ अच्छी एनिमे सीरीज देख रहा हूँ, तो शायद मेरा इस सीरीज को देखने का नजरिया कुछ हो गया हो। इवन आप लोग इस सीरीज को तब देखोगे, पहली बार देखोगे, तो आप लोगों को काफी अच्छी पसंद आ सकती है। तो ये मेरा एक ओपिनियन है, जब हम बहुत अच्छी चीजें देखते हैं, आप इवन कभी देखना, आप खुद अपने ऊपर ट्राई करके देखना, आप बहुत अच्छी एनिमे सीरीज देखते हैं, फिर उससे थोड़ी सी कम अगर आप एनिमे सीरीज देखने बैठते हो तो आपको लगता है कि हाँ यार इसके अंदर कुछ कमी थी, इसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए थी, कुछ यही मेरे साथ हुआ। तो इसको पर्सनली मत लेना कि क्या होता है कि कईयों को ये सीरीज पसंद आई होती है, कई ऐसा कुछ होता है कि काफी सारे होते हैं जिनका एनिमे में कुछ और ही इंटरेस्ट होता है, वो कुछ और सोच कर वो देखते हैं, उनको पसंद आ जाती है, और मेरा कुछ और इंटरेस्ट होता है। तो ऑल ओवर यार थोड़ा कंट्रोल करना, कहीं तुम भड़क जाओगे यार तुमने इसको ऐसा क्या कह दिया, ये सब चीजें। मैं कह रहा हूं कि ठीक है ऑन एवरेज है, कोई ये नहीं है हाइप क्रिएट कर देगी, बट हो सकता है कि एट द सेम टाइम आपके लिए कुछ अच्छी हो सकती है। ये मेरा ओपिनियन था यार। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।